होता है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, उसकी वजह से हम बाहर भी खेल नहीं पा रहे। तो मैं चाहती हूँ कि हमें ग्राउंड दिया जाए। आप खुद यहाँ पे देखोगे ना ग्राउंड में कितने कंकर है, आपको अगर आप नीचे बैठते हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब कंकर चुभ जाता है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि हमें ग्राउंड दिया जाए, फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ करेंगे, अब हम अपनी स्टेट के लिए भी तभी खेल पाएंगे जब हमारा हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा साथ देगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा, गर्ल्स बहुत मेहनत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार IPL हुआ और उसके बाद जो है पहली बार डोडा के अंदर जो है वुमेन क्रिकेट जो है टूर्नामेंट जो है करवाया जा रहा है, ये सब पुलिस की तरफ से करवाया जा रहा है। और ये सामने की तस्वीर है जहां पर किस तरह से पुलिस ने जो है ये सारी चीजें तैयार की है। और इन्हीं सब पे जिस तरह से लगातार भारत भूषण सर जो है सुबह ही बच्चों को ये स्टेडियम में लेकर आते थे और किस तरह से तैयारियां जो है करवा रहे थे कि बच्चे जो है बाहर निकले, और जिस तरह से इन्होंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि किस तरह से बच्चियां जो है खेल भी रही हैं। चलिए इन सब से बात करेंगे। और फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है और सेकंड इनिंग जो है शुरू हो गई है, जिसमें टारगेट जो है कितना मिला है सर, बताएं कितना टारगेट मिला है और किस तरह की तैयारियां थी बच्चों की। 59 टारगेट मिला है और मुझे लगता है कि ये बड़े आराम के साथ अचीव करेंगे। अभी थोड़ा सा रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अभी बॉलिंग भी थोड़ी सी हमारी उतनी मजबूत नहीं है। वाइड काफ़ी बच्चों ने दिए हैं, हम उस पर वर्कआउट करेंगे कि जो है कम से कम जो है वाइड दिए जाएं। अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका लेवल जो है बहुत अच्छे लेवल तक जाए, और उम्मीद है आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छा करेंगे और आने वाले वक्त में ये डोडा का नाम रोशन करेंगे। पुलिस जो है इस तरह की टूर्नामेंट करवा रही है और जगह जगह पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं SSP साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों को मौका दिया है आगे निकलने का। अभी पहले ही एक मैराथन रेस जो है उन्होंने कराई थी गर्ल्स की, बहुत अच्छा इवेंट रहा था वो भी, और दोबारा दूसरा इवेंट जो है गर्ल्स का ही उन्होंने चुना क्रिकेट का, जबकि कभी पहले इस किस्म का टूर्नामेंट जो है नहीं हुआ है। मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है कि बच्चों को आगे निकाला जाए। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों को, लड़कियों को खास करके, खेलने का मौका दें और उनको बैकअप करें ताकि वो उनका नाम रोशन करें। देखिएगा, बहुत सारी बच्चे जो है आपके क्लब में खेल भी रही हैं और बहुत सारी बच्चे कह भी रहे होंगे कि हमें भारत टीम का हिस्सा बनना है या फिर अगले एक या दो साल के अंदर IPL भी खेलना है। बिल्कुल, टारगेट रखा हुआ है कि इंडिया खेलना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में IPL और इंडियन टीम में हमारी बच्चियां जो है 2-4 साल के बाद जो है दस्तक देने वाली हैं। इनमें से आपने पहले एक देखा, रियान चुरानी, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, लेंथ पे बॉलिंग कर रही थी, बड़े पिच करके बॉल जो और तेज आ रहा था। ये मुस्कान जो थी वो भी बड़े अच्छे लेवल की बॉलिंग कर रही थी, और जो फिटनेस कैंप एक लग रहा है स्टेट का, उसमें हमारी एक बच्ची U19 की मुस्कान को मौका मिला है। ये बड़े फख्र की बात है हम सब के लिए कि उसको फिटनेस कैंप में J&K की तरफ से का मिल रहा है। चलिए, मेरे साथ प्रमोद सर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि लगातार ये भी जो है स्टेडियम में तैयारी करवाते हैं बच्चों को। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का टूर्नामेंट पहली बार वुमेन का और पहली बार इतिहास में ये सब चीजें हो भी रही है? जी शुक्रिया विकास, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो टूर्नामेंट स्पेशली गर्ल्स के लिए करवाया जा रहा है अपने आप में इतिहास है, क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया था किसी ने भी, तो ये अच्छा है। और जिस तरह से हम आजकल का सिनेरियो देख रहे हैं और वुमेन क्रिकेट को इतना पॉपुलर करने के लिए BCCI ने भी कदम उठाए हैं, वुमेन IPL स्टार्ट किया इसी साल, तो बहुत अच्छा है। बच्चे जितने भी मेरे को सुन रहे हैं आपके माध्यम से और उनके पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को थोड़ा सा नोटिस करें कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, खेलना भी ज़रूरी है। आपको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पेरेंट्स गाइड बनने चाहिए, ना कि भाग्य विधाता, क्योंकि अगर आप गाइड बनेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग जो है वो अपना खुला रखेंगे, आसपास के सिनेरियो को देखेंगे, आप देखेंगे कि बच्चे जो कम भी पढ़े हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे फेम कमा चुके हैं सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, सब के लिए ज़रूरी है पढ़ना, तो मतलब वो एजुकेशन की बात करें तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं फिजिकल फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी कड़ी मेहनत और जिस तरह से इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बच्चों को लाना, सुबह 5 या 6 बजे उठाकर यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारी करवाना,
कितना और ज्यादा आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर भी जगता है जब इस तरह की परफॉर्मेंस बच्चे दिखाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक कोच के लिए जैसे मैं बताऊंगा कि पढ़ाई में एक टीचर जब पढ़ाता है बच्चे को और वो बच्चा जब डिस्टिंक्शन लाता है या अच्छी पोजीशन लाता है तो बच्चा तो टीचर को कुछ नहीं देता, लेकिन अपने आप में टीचर में कॉन्फिडेंस होता है और आत्मविश्वास आता है कि नहीं मैंने कुछ किया। तो उसी तरह से स्पोर्ट्स में हम कोचिंग दे रहे हैं पिछले 5-8 सालों से, तो जो भी बच्चा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है या किसी भी लेवल पे खेलता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है हमारा और आगे भी फ्यूचर को अच्छा देखने के लिए हम देखते हैं। चलिए बच्चियों से भी बात करेंगे क्योंकि टारगेट बिल्कुल इनके सामने है और पैड लगाकर बिल्कुल तैयार है। मुझे लगता है 1 डाउन आपका नंबर है? नहीं, 2 डाउन। 2 डाउन, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कितना टारगेट मिला है? 60 का। 60 का, कितने में चेज करना चाहती है आपकी टीम? 7-8 ओवर्स में कम्प्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, किस तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा आपका और पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट पुलिस करवा रही है तो किस तरह का लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि पुलिस हमारे लिए इतना टूर्नामेंट करवा रही है हमारे लिए, और बॉलिंग भी हमारी अच्छी रही बट थोड़ा वाइड्स आ गए, उस वजह से एक्स्ट्राज नहीं देने चाहिए थे हमें, उस वजह से ज्यादा स्कोर हो गया, इसीलिए कोई बात नहीं हम चेस कर लेंगे बैटिंग में। चलिए 2 डाउन इनका नंबर है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि चेज जो है हम कर लेंगे, लगातार ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह ही यहाँ पर पहुंच जाती है बच्चियां, और क्या कहना चाहेंगे आप भी मुझे रोजाना दिखते हैं सुबह खेलते, और किस तरह आपका कौन सा नंबर है, बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते? मैं बॉलर हूं। बॉलर है, कितने विकेट आज चिटकाए? एक। एक विकेट। और किस तरह से लग रहा है आपको कि इस तरह के टूर्नामेंट होंगे, आगे जाने का मौका मिलेगा, क्या चीजें सोचिए? टूर्नामेंट तो होने चाहिए, मैं चाहती हूँ ताकि गर्ल्स आगे निकले। आप देख रहे हो अभी आज कितनी टीम्स हमारी यहाँ की डोडा की, सिर्फ डोडा की बनी है, लेकिन मुझे एक है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। आज जो इतना डेवलप हो गया है, हर चीज डेवलप है, बट ये है कि डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम डेवलप नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम अगर बाहर खेलने जाते हैं, मैं रिसेंटली अभी JKCA खेल के आई हूँ, वहाँ के आप अगर ग्राउंड देखोगे, वहाँ की पिच देखोगे, मुझे सिर्फ ये दुख होता है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, उसकी वजह से हम बाहर भी खेल नहीं पा रहे। तो मैं चाहती हूँ कि हमें ग्राउंड दिया जाए। आप खुद यहाँ पे देखोगे ना ग्राउंड में कितने कंकर, आपको अगर आप नीचे बैठते हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब कंकर चुभ जाता है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि हमें ग्राउंड दिया जाए, फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ करेंगे, अब हम अपनी स्टेट के लिए भी तभी खेल पाएंगे जब हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा साथ देगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा, गर्ल्स बहुत मेहनत कर रही है, मेरी टीम तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। ये स्टेडियम की बात की ही आपने और पहली बार IPL भी हुआ और पहली बार डोडा में इस तरह का टूर्नामेंट भी हो रहा है, किस तरह के प्लेयर की तरह भी बनना चाहती है? एक आइडियल होता है हर किसी प्लेयर को देख। मैं तो रेणुका ठाकुर की तरह बनना चाहती हूँ जो की मीडियम पेसर है इंडिया की, तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरा एम वही है, मैं तो अपनी जर्सी भी टेन रख चुकी हूँ, मुझे उन्हीं की तरह बनना है। चलिए ये सारी बच्चियां जो है बिल्कुल तैयार है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ ही जो 60 रन का टारगेट है वो जो है हमने चेज करना है और कुछ ही यानी 6 या 7 ओवरों में जो है इसको चेज भी कर लेंगे, और ये सामने जहाँ पर लगातार मैच चल रहा है और बहुत अच्छा जिस तरह से इनके ओपनर अभी भी खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि 6 या 7 ओवर जिस तरह से उन्होंने बताया वो जो है जल्दी से उसी में ही कंप्लीट कर देंगे अपना स्कोर। और बच्चा की ये स्पोर्ट्स स्टेडियम को बदलना चाहिए और यहाँ के को जो है इन सब चीजों पे देखना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी टूर्नामेंट हो या कोई भी चीज हो तो सही तरीके से, ताकि यहाँ पर बच्चों को चोट ना लगे, क्योंकि जिस तरह से बच्चे ने कहा कि मैं JKCA खेल चुकी हूँ लेकिन यहाँ पर जब अपने ग्राउंड की हालत देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है दुख पहुंचाती है कि कम से कम अगर हमारा स्टेडियम सही होता तो हमें जो है खेलने